हमने पहले आपको स्वर पढ़ाया, सबसे पहले ए आ
छोटी बड़ी की उ बड़ा उ री ए आई ओ औ अं ऐ ये क्या है स्वर ठीक है अब पढ़ेंगे आप व्यंजन कैसे उसे समीकरण सभी व्यंजन है कै है कै है Gracias.
छोटा हो, छोटा हो की मात्रा इस तरह छोटे हो की मात्रा बनती है, बड़ा हो ये बड़े हो की मात्रा है, ठीक है। इधर देखिए बेटा स्वर है, ये क्या है री, इधर मात्राएं हैं, तो ये क्या है री मात्रा, ए ये ए की मात्रा है, आई ये देखिए जो मतलब मात्रा अगर रखती है ये आई की मात्रा है, इधर ओ तो ये क्या है ओ की मात्रा, और ये है ओ की मात्रा है। तो मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छे से हो गया होगा बेटा। देखिए व्यंजनों पर मात्राएं चार प्रकार से लगाई जाती है। नंबर पहला है आ ई ओ औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। जैसे देखिए बेटा कै की जो मात्रा है कै प्लस आ, तो का हमने कै के बाद आ की मात्रा लगाई, ठीक है। ऐसे ही कै प्लस ओ, तो कै के बाद ओ की मात्रा लगी है। ऐसे ही इधर कै प्लस पड़ी ही है ओ, ठीक है। सॉरी ई, कै प्लस ई ई लिखनी है और याद करनी है।